The decomposition of ammonia on tungsten surface at 500 Kelvin follows zero order kinetics. The half-life period of this reaction is 45 minutes. Half-life दी है हमें 45 minutes. जब initial pressure कितना है 4 bar. मतलब ये half-life है जब initial pressure है 4 bar. The half-life period of the reaction when the initial pressure is 16 bar. अब pressure कितना हो गया है 16 bar. तो हमसे क्या पूछी है half-life पूछी है. और फॉलो कौन सा कर रही है ऑर्डर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रही है. ठीक है तो हम क्या बोलते हैं जो हाफ लाइफ होती है जीरो ऑर्डर के लिए दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन टू के. इसका मतलब जो हाफ लाइफ है जीरो ऑर्डर के लिए दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और आई कैन से इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल प्रेशर. तो यहां से मैं क्या लिख सकती हूँ हाफ लाइफ वन अपॉन हाफ लाइफ टू इज इक्वल्स टू पी वन अपॉन पी टू. तो पी वन है 4 अपॉन 16 तो यहां से कितना आ जाएगा हाफ लाइफ इनिशियली दे रखी है 45 मिनट्स तो 45 अपॉन पी हाफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4. तो यहां से हमारी हाफ लाइफ कितनी आ गई जब प्रेशर 16 बार है तो हाफ लाइफ कितनी हो जाएगी 45 इंटू 4 विच इज इक्वल्स टू 180 सेकंड्स. मिनट्स में दिया हुआ है मिनट्स में दिया हुआ है तो 180 मिनट्स ऑप्शन नंबर सी. सिंपल था हमें हाफ लाइफ दे रखी थी दो अलग अलग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे हमें बस रिलेशन पता होना चाहिए था हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर ये होता है. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ.